वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और अभी हम लोग गए हैं पटेल मोटर्स पे। जब इन भाईजान ने मेरा चैनल छीन लिया था तो उस वक्त हम थोड़ा सा जो पार्ट्स वार्ट्स खराब थे वो सब सही कराए। अब गाड़ी की सर्विसिंग करा रहे हैं ताकि अगर कहीं जाने का प्लान इंस्टेंटली बन जाए, हो सकता है एक दिन में कहीं चले जाए, पापा को भोपाल जाना है, हो सकता है कहीं जाने का प्लान बन जाए, तो इसलिए गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं। फिर अभी ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी अभी रजाई से निकल के बाहर आए हैं। अब जाएंगे गर्मा गर्म चाय पीने और पुआ खाने। बाकी आपको बताते हैं रतलामी चटोरे का नाश्ता कैसे होता है सुबह सुबह। तो गाड़ी डाल दी सर्विसिंग पे और अभी हमारी आ रही है हायाबुसा निकल के। कर्तव्य हायाबुसा का है हमारी, तो हमारी हायाबुसा ये रही ब्लैक कलर की, शानदार चमक रही है। साउंड सुन रहे हैं इस गाड़ी का? तो चले अब चलते हैं अपन बजरंग चाय पीने। क्या बोलते हैं लड्डू, चलते हैं ना? चले चलो गाड़ी बढ़ाओ। बंद होते हुए क्या प्रॉब्लम हो गई कर्तव्य बैरागी जी? ज्यादा तेज भगाओगे तो दिक्कत आती है सा? हायाबुसा स्टार्ट की जाए। अरे करो, पेट्रोल गया ना कर रही है, पेट्रोल गया ये ना कर रही है, ये ना कर रही है। चल चल जल्दी स्टार्ट कर, जल्दी स्टार्ट कर, जल्दी स्टार्ट कर। हायाबुसा में थोड़ी खबर खराबी आ जाती है कभी कभी। रतलाम जैसी सड़कों पे अगर आप हायाबुसा भगाओगे तो फिर ऐसा होना ही है, थोड़ा ऐसे हो। ऐसे रोड पे हायाबुसा भगाओगे तो यही याद होने, गाड़ी बंद होगी तो क्या होगा भाई। आ गई हमारी गर्मा गर्म चाय सर, पियो करते हुए भैया। चीयर्स 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 चीयर्स। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बजरंग चाय पे, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 मिनट का रास्ता है। तो अगर आप जैसे सेंट्रल रेलवे स्टेशन है रतलाम का, आपको पता ही है, तो यहाँ पे अगर आप आते हो कहीं स्टॉपेज होते हैं 10-15 मिनट का, बाहर आके यार एक बार यहाँ की चाय जरूर पीना। बजरंग चाय स्टॉल है यहाँ पे, वहीं पे कॉर्नर पे। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको गर्मा गर्म चाय मिलेगी, एकदम अदरक मसाला वसाला डल के तैयार चाय पी दें। तो रात में 12 बजे बंद हो जाती है और सुबह 3 बजे खुल जाती है। तो यू कैन कम एनी टाइम। चाय लवर्स नीचे कमेंट करो अगर आप कभी आए हो और यहाँ की कभी चाय पी है आपने, इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम। तो बजरंग भैया के साथ खड़े हैं अपन यहाँ पे, आपकी स्टॉल है जी। मेरी क्या टाइमिंग क्या रहता है? 4 बजे तक, रात की 12 बजे। अच्छा यार, ऐसा क्या मसाला डालते हैं मतलब कि भीड़ कॉन्स्टेंटली रहती है? रात की 12 बजे आ जाओ आप यहाँ पे, या फिर दिन की 2 बजे हो 3 बजे हो, चाय जनता का प्यार आशीर्वाद, जनता का प्यार भगवान का आशीर्वाद, सही है। तो इफ यू आर वॉचिंग फ्रॉम एनी वेयर, अगर आपके रतलाम में बोर्डिंग स्टेशन आता है तो यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, यहाँ पे आके बजरंग बजरंग चाय स्टॉल है, टी स्टॉल है, यहाँ पे आके एक बार ट्राई करो, एक नंबर चाय रतलाम की। और कुछ बोलना है दर्शकों को? बस सर, परिवार नहीं बता रहे हमारे यहाँ करते रहे हम लोग बजरंग चाय पे, तो मज़ा आ गया। अब आपको बताते हैं कि जब लोग यहाँ पे सुबह सुबह उठते हैं ना और उनका नाश्ता क्या होता है। आपने इंदौरी पोहे तो सुना होगा बट रतलामी पोहा इतना नहीं सुना होगा। एक्चुअली रतलाम का जो पोहा होता है थोड़ा खट्टा मीठा होता है टेस्ट में, पर यहाँ की सेव के साथ जो भी बड़ी फेमस है उसके साथ उसका टेस्ट अलग ही। अच्छा, रतलामी सेव का नाम आपने बहुत सुना होगा, बट ये जो आकाश आकाश वाला बनाता है ना, मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, ये जो आकाश आकाश वाला जो सेव बनाता है ना, ये उसका रतलाम का रियल टेस्ट होता ही नहीं है। अगर आप कभी रतलाम में आ रहे हो, आपको गेलड़ा वाला मिल जाएगा यहाँ पे, और क्या क्या नाम है, जलाराम मिल जाएगा, जलाराम हो गया, गेलड़ा हो गया। और एक्चुअली जो रतलामी सब वही जानते हैं कि यहाँ पे सेव कहाँ कैसी क्या मिलती है, और बाहर का तो सब एक्चुअली कचरा होता है सेव। अब अगर स्टेशन से भी लोगे ना तो भी आपको सेव वो मज़ा नहीं आएगा जो अंदर सिटी वाली सेव में मज़ा आएगा। और यहाँ से सेव एक्सपोर्ट होती है अदर कंट्रीज में, तो
इतनी फेमस होती है यहाँ की सेव, और सेव भी दो तीन टाइप की होती है यार, किसी दिन वो भी आपको बताएंगे। लहसुन की सेव और स्पेशली यहाँ पे लौंग वगैरह की सेव भी मिलती है। तो अभी हमने बजरंग की चाय तो ट्राई कर ली, अब यहाँ पे करते हुए क्या खिला रहे हैं? बालाजी के समोसे जो कि वर्ल्ड फेमस है यहाँ के। तो यहाँ पे बालाजी करके एक रेस्टोरेंट है, ये आपको गुजराती स्कूल के सामने मिलेगा, न्यू रोड जो अपना दो बत्ती चौराहा है उसके पास मिल जाएगा। स्टार्टिंग से इस ठेले से करी थी जो का। अच्छा, इन लोगों ने जो स्टार्टिंग है इस ठेले से करी थी, ये जो ठेला दिख रहा है, मैं जब अपन स्कूल में आते थे तब यही था ना, केबिन ने कवर कर रखा है। जब हम लोग स्कूल में थे ना, आई थिंक अराउंड 5 to 6 ईयर्स पहले हम लोग जब स्कूल में थे, तो बस यही एक ठेला था उनका, और 3 साल में इनने इतना बड़ा काम कर दिया है कि दुकानें चलने लगी हैं। ये है रतलामी पोहा। ये बात हाँ 17 भैया, सेव थोड़ा ज़्यादा डालना, प्याज डालूँ? हाँ डाल दो, प्याज डालो ना। तो भाईजान ये लीजिए स्वादिष्ट पोहा रतलामी। अभी आ गए हैं गर्मा गर्म पोहे, जैसे कि आप देख रहे हैं अब यहाँ के हम पोहे खाएंगे। पोहे में यार नींबू के बिना मेरे को पता नहीं आता, देखो क्या लगता है। आप सुबह 6 बजे से यहाँ पे दिन के 1 बजे तक पोहे का लुत्फ उठा सकते हैं, और समोसे तो पूरे दिन ही बनते रहते हैं यहाँ पे। पोहे के अंदर बहुत सारी चीज़ें डलती है। रतलामी पोहे ज़्यादा पसंद है, पोहे ज़्यादा पसंद है। पर इंदौरी पोहे और रतलामी पोहे में डिफरेंस क्या है? अपन भैया से जाते हैं, रतलाम के पोहे बहुत बढ़िया है, बताओ इनको, बताओ। स्वादिष्ट लगता है रतलाम के पोहे, स्वादिष्ट लगते हैं उसमें। इंदौरी पोहा जो होता है ना, इंदौरी पोहा रतलामी पोहा में डिफरेंस क्या है? जैसे वहाँ के तो पोहे खाए नहीं यार हमने, मतलब एक जगह का जो टेस्ट लग गया ना, उसके बाद कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। जाने की वजह हम तो स्पेशल आते हैं यहाँ पे समोसे, अल्टीमेट ये सर। अगर आप मैं जैसे भी पुणे में जाता हूँ, मैंने पुणे में देखा, पुणे में आप यकीन नहीं करोगे, जो पोहा है ना उसके अंदर सांभर और चटनी डाल के खाते हैं। सांभर चटनी खाओगे आप? नहीं मजाक नहीं करो, मैं देखिए खाओगे? वहाँ का जो पोहा होता है ना, उसमें क्या होता है, वहाँ के पोहे में मिठास नहीं होती, तो यहाँ के पोहे में मिठास होती है। यहाँ पे शक्कर डाल दिया जाता है, तो शक्कर डाल देंगे अब ऊपर से आप सांभर डालोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब जब पोहे फीके रहेंगे ऊपर से सांभर डालोगे ना, तो उसमें टेस्ट आ जाएगा। तो वो साउथ का नेचर था, ये अपना MP का नेचर है, रतलाम का नेचर। चलो सर, रतलामी पोहे का आनंद हो गया, आप चलते हैं घर, ठीक है, ड्रॉप करो, आप भी जाओ, शाम को मिलते हैं, ठीक है? स्टे ट्यून्ड, शाम को मिलते हैं, कुछ नया प्लान कर रहे हैं, देखते हैं।